दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों ये हमारा नानकना मशीनरी कंपनी चैनल है, सुखराज मशीनरी कंपनी चैनल है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे पास बहुत सारी मशीनें, जैसे ये मैं आपका नया प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बार्बर्ड वायर कांटे वाली तार जो होती है उसकी ये वायर बनाने वाली मशीन है, जिसको कांटे वाली तार बोल देते हैं। बार्बर्ड वायर खेतों में बाड़ करने वाली, जो खेतों में बाड़ करते हैं उसकी ये वायर बनाने वाली मशीन है। ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें रोल लग जाते हैं एक साइड में, इसमें रोल लग के ये वायर आती है, अपने वायर आके कांटा बनता है। कांटा जितना मर्जी कम ज्यादा डिस्टेंस में लगाना हो वो कम ज्यादा डिस्टेंस भी हो जाता है। इसका डिस्टेंस आप बढ़ा भी सकते हो, छोटा बड़ा कांटा कर सकते हो। ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, इधर से वायर रोल लग के इधर आके कांटा बन के इधर आके वायर होके पूरा इसको वट चढ़ के पूरा इधर आके रोल हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये आपको ये इधर रोल हो रहा है, ये रोल हो रहा है पूरा मशीन का। ये पूरा ऐसे मशीनें हमारे पास, ऐसे मशीनें ऑर्डर पे बनती है, बनती रहती है, आगे ऑर्डर आते रहते हैं। जैसे ये तीन चार मशीनें अभी बनी है, इसकी जानी है कट्टी की कट्टी मशीनें। ये दोस्तों ऐसे इसके साथ चैन लिंक फेंसिंग होती है वायर, उसकी मशीन भी होती है हमारे पास, जो जाली वाली डब्बेदार जाली होती है वो भी मशीन होती है। इसका ये वाला जैसे ये वायर स्टैंड है, इसका वायर स्टैंड है, इसके चार वायर स्टैंड लगेगा इसका। इसमें ऐसे में अभी आपको चला के भी मशीन दिखाएंगे हम आपको। हमारे पास और भी बहुत सारी मशीनें हैं, जैसे ये मशीन बार्बर्ड वायर है, चेन लिंक फेंसिंग है, ये एक आइटम होगी। इसके बाद में जैसे ये किल वाली वाली वायर नेर वाली मशीन है, वायर नेर वाली जैसे मशीन है दोस्तों, ये वायर में नेर वाली मशीन है जैसे दिखा रहे हैं आपको, ये वायर नेर वाली मशीन है। इसमें आपका रोल लगेगा वायर का और ऑटोमेटिक वायर जो है बन के किल बन के, जो किल बोलते हैं कांटी बोलते हैं, वो किल बनाने वाली मशीन है। ये किल बन के पूरा है, इसमें एक इंची से लेके पांच इंची तक किल बन सकता है। ये मशीन के साथ एक पॉलिशिंग ड्रम भी लगता है, ये पॉलिशिंग ड्रम है। इसमें किल बनने के बाद किल डालेंगे और पॉलिश होके चमकदार किल बन के, चमकीले किल बन के निकलते हैं। और ये वाला कटर ग्राइंडर है, इसके साथ ये ग्राइंडर भी लगता है। ये ग्राइंडर में आप इसकी धार, टूल की धार होती है जो काटने वाली होती है, कटर की धार लग जाती है इसकी। ये पूरा मशीन का तीन मशीन का सेट होता है। इसके साथ जैसे एक इंची से आपने पांच इंची छह इंची किल बनाना है या एक इंची से चार इंची तक बनाना है, उसमें दो मशीन लगा सकते हो। जैसे एक दो इंची मशीन, एक चार इंची का मशीन, आप दो मशीन इकट्ठा लगा सकते हो ऐसे वाला। इसमें दो मशीन लगा के और एक दो इंची का, एक चार इंची का लगा के एक पॉलिशिंग ड्रम, एक ग्राइंडर मशीन आप लगा सकते हो। इसलिए मतलब हमारे पास जैसे ये मशीन है, कपूर वाला मशीन है, बहुत सारी हमारे नोटबुक वाली मशीनरी है, हमारे पास कैरोगेटेड बॉक्स मशीनरी है, हमारे पास बहुत और मतलब टाइप की जो भी मशीनें हैं ना, डाई पंचिंग मशीन है स्वीट बॉक्स बनाने के लिए, मतलब और हमारे पास बहुत सारी मशीनें हैं ऐसे, जैसे स्पाइरल बाइंडिंग होगी, मतलब बहुत सारी मशीनें हमारे पास। आपने जो वीडियो है पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो अंत तक देखोगे पूरा फिर ही आपको पूरा जानकारी पूरी मिलेगी। अगर वीडियो पूरा अंत तक नहीं देखोगे इसलिए पूरी आपको जानकारी नहीं मिलती।
दोस्तों मैं आपको बार्बर वायर मशीन के जो कांटेदार वाली तार है इसके मशीन के बारे में बता रहा था आपको। ये कांटेदार जो तार है ये दोस्तों, इसमें चार इसका वायर स्टैंड है, इसका चार वायर स्टैंड होते हैं इसके, इसमें चार वायर लगती है। इसमें जैसे दो वायर ये आ रही है इधर से, दो वायर इधर आ रही है ये वाली, और एक वायर इधर से जाएगी इसकी, एक इधर जाएगी रोल, एक पीछे से रोल लगेगा। ये दो वायर इसकी होती है दो, और ये वाली कांटा बनाती है, पीछे वाली वायर भी जो है कांटा बनाती है। चार वायर का रोल लगता है इसमें, इसके चारों का ये दो वायर ये आ गया, एक कांटा इधर, एक दो कांटा बनेगा इसका, इसका दो कांटा साथ में लग जाता है एक साथ में, जितना बड़ा छोटा डिस्टेंस करना हो कर सकते हैं आप। फिर ये मैं आपको चला के ये देखो मशीन दिखाया मैं आपको, अभी मशीन रनिंग में आ गया। इसके बाद में आपको इसका इसका सेल कहाँ करेंगे, इसका कहाँ पे आपका मतलब सेल कहाँ, प्रॉफिट कितना है, कहाँ से वायर मिलेगी, कहाँ से आपको इसका रॉ मटेरियल मिलेगा, ये सारा कुछ मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ये दोस्तों देखो जो मशीन आपने मैंने आपको चला के दिखाई ये वाली मशीन, इसका ये रॉ मटेरियल है जो आम हर सिटी में इसका रॉ मटेरियल जीआई वायर होता है 12 गेज और 14 गेज, इसका हर सिटी में इसका जीआई वायर इसका मिल जाता है, इसका जो वायर रॉ मटेरियल जो इसका रॉ मटेरियल लेके इसका वायर बना के आप इसको हार्डवेयर की दुकान होलसेलर होते हैं उसमें आपका सेल हो जाता है। ये डेली एक मशीन जो है 500-600-700 किलो तक इसका एक मशीन में बन जाता है। बहुत सारे लोग दो दो तीन तीन मशीन लगा लेते हैं, जो प्रोडक्शन जारी करनी हो तीन मशीन भी लगा सकते हैं इसके साथ, जाली फेंसिंग वायर जाली वाला मशीन भी इसके साथ लगा सकते हो, और जो हार्डवेयर की दुकान है होलसेलर की दुकान वहां सेल कर सकते हो। इसमें कम से कम भी आपका जो प्रॉफिट है 15-20 रुपए किलो का आराम से प्रॉफिट निकल आता है इसका। आपने सीधा इसका जीआई वायर लेना है तो प्रोडक्ट तैयार हो गया, आपने सेल करना है, बस इतना ही काम है इसका। बाकी फुली ऑटोमेटिक मशीन है, एक ही वर्कर जो है, एक ही ऑपरेटर जो है दो तीन मशीन चार मशीन भी चला सकता है इसमें, और इसमें बिजली भी जो है आपका मतलब कोई ज्यादा नहीं लगता इसका बिजली भी। इसका जो पावर है 3 फेज का कनेक्शन लिया है या सिंगल फेज का है, उसमें आपका ये मतलब घर की लाइट में भी चल सकता है। बाकी इसका जो एरिया है, एरिया इसका जो है एरिया, इसमें जैसे एक मशीन जो है 10 फुट बाय 7 फुट जगह लेती है, 10 फुट बाय 7 फुट जगह एक मशीन लेगी। जैसे एक दो मशीन, एक मशीन लगाना है एक बार्बर वायर की साथ में लगाना है, कम से कम 200 स्क्वायर फुट जगह चाहिए आपको, 200 स्क्वायर फुट में एक बार्बर वायर के जाली वाला मशीन आपका चल जाता है। और दोस्तों ये जो कांटी वाली तार है, ये देखो कांटेदार तार जो बन रही है, इतनी बढ़िया तार बन रही है ये दोस्तों, ये तार जो है इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। आप चाहे 10 मशीनों में लगा लो, इसकी डिमांड पूरी नहीं होती, जिसने भी मशीन लगाया उसका जितना माल बनता है उसी टाइम बिकता जाता है, इसकी बहुत डिमांड जा रही है। ये खेतों की बाड़ है, कोई भी अपने कोई अपने जो अपने खेत लिया है या कुछ जगह है उसकी बाउंड्री करनी है, खेतों में लगानी है, और बहुत सारी जगह लगती है इसकी, इतना मतलब है कि मशीनें बहुत कम मार्केट में लगी हुई है और इसकी मतलब लागत ज्यादा है। इसमें मार्केट में ये प्रोडक्ट की सेल बहुत जल्दी होती है, जितना भी प्रोडक्ट है, जो 10 मशीन भी लगा लोगे तो जितना आपका प्रोडक्ट बनेगा वो साथ के साथ में सेल होता जाता है, इसका सेल करने में कोई मुश्किल नहीं आती इसकी, और रॉ मटेरियल भी बहुत ईजी इसका मिल जाता है। तो ये मशीन जो बार्बर वायर की है, ये आप जब भी वीडियो देखते हो इसमें हमने वो इसमें व्हाट्सअप नंबर जो दिए होते हैं, हमने व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर सकते हो, इसका रेट मंगवा सकते हो, जो भी है इसका प्राइस है वो मंगवा सकते हो, इसको बुकिंग करा सकते हो, उसी टाइम आप थोड़ा ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हो, हम जो मशीन है ट्रांसपोर्ट से आपका डिस्पैच कर देते हैं। बाकी इसका मशीन हमारे पास तकरीबन इसका रेडी भी मिल जाता है, कई बार ऑर्डर ज्यादा होते हैं फिर थोड़ा टाइम लगता है, 10-15 दिन लगता है, नहीं तो आम रेडी मिल जाता है ये वाला मशीन। ऐसे हमारे पास और बहुत सारी मशीनें हैं, जैसे मैंने ये मशीन अपने प्रोडक्ट देख लिया समझ लिया पूरा इसका, इसके बाद में आओ दोस्तों मैं एक और आपको मशीन दिखाता हूँ, जैसे किल वाली मशीन है इसका। ये दोस्तों ये देखो बड़ी कितनी बड़ी ये देखो मशीन है, कितनी बड़ी ये देखो एक मशीन है, इसमें 1 इंची से लेकर 5 इंची तक किल बनता है। ये दोस्तों ये देखो कितनी हैवी ड्यूटी मशीन है, कितना हैवी ड्यूटी शावट लगा हुआ, हर चीज इसका मतलब एक्यूरेट पार्ट सभी लगे हुए हैं। ये दोस्तों देखो इसमें 1 इंची से लेकर 5 इंची तक किल बन सकता है, इसमें वायर लगाओ ऑटोमेटिक जो है मशीन किल बनती जाती है, किल बन के फिनिश होते हैं, पॉलिश हो जाते हैं मतलब ड्रम में। और इसके साथ ये देखो आपने ये ज्यादा किल बनाना है, प्रोडक्शन ज्यादा निकालना है, वैसे होता है इसकी 2 मशीन लगा सकते हो, 3 मशीन लगा सकते हो, जैसे एक 2 इंची मशीन लगा लो, एक 4 इंची लगा लो, एक 6 इंची मशीन लगा लो, आपका 1 इंची से लेकर 6 इंची तक किल जो है बनेगा, मतलब पूरा बढ़िया किल बनता जाएगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा निकलेगा। तो छोटी मशीन में छोटा किल बनाओ, बड़ी में बड़ा बनाते जाओ, फिर प्रोडक्शन ज्यादा निकलती है, एक्यूरेट भी किल निकलता है। बाकी पॉलिश ड्रम आपको ये 3 मशीन ही लगा लोगे, पॉलिश ड्रम आपको एक ही लेना पड़ेगा, इसमें एक ही बहुत है, इसमें पॉलिश हो जाएगा।
और ग्राइंडर एक लेना पड़ेगा, बाकी मशीन आप तीन लगा सकते हो, चार लगा सकते हो, कोई भी। आपको दिखाता हूँ, जैसे ये आम घरों में घर की जो जिसमें पंखा चलाते हो आप, पंखा लाइट जो जलती है, एक बल्ब जगता है उसके, ये देखो उसी में चलने वाली ये मशीन, ये प्लेट डूना बनाने वाली ये मशीन है दोस्तों। ये देखिए इसमें भी, ये भी ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक है, इसमें रोल लगते हैं, पीछे से रोल लगाओ ऑटोमेटिक प्लेट डूना बन बन के अपने आप बाहर आता है। इसका रॉ मटेरियल भी बहुत ईजी मिल जाता है, हर सिटी में मिलता है इसका रॉ मटेरियल, हमारे पास भी मिल जाता है रॉ मटेरियल इसका, और इसका जो बना प्रोडक्ट है वो भी मार्केट में बहुत होलसेल में इजी सेल हो जाता है। इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी निकल जाती है और प्रॉफिट भी इसमें अच्छा निकल जाता है। इसमें भी जैसे जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल बना के प्रोडक्ट बना के आपको 20-25 रुपए किलो का प्रॉफिट आराम से निकल आता है इसका। बाकी जो प्रोडक्ट है इसका क्वांटिटी के हिसाब से, मतलब पर पीस के हिसाब से बिकता है, पीछे रॉ मटेरियल जो बाय वेट मिलता है इसका, वो भी आपको बहुत इजी है। मतलब कोई हमारा इंजीनियर जाके आपको सभी मशीनों की जो मैं बताया है जाके वहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी दे देता है, बता भी देते हैं सारा कुछ आपको, और ट्रेनिंग मिल जाती है आपको। देखिए दोस्तों ये जो हमारे प्रोडक्ट है, ये देखो हमारे असेंबलिंग हो रहा है, इधर बन रहा है, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, हम जो प्रोडक्ट है मशीनों के फ्रेम है आपको बनते दिखा रहे हैं, ये मशीनें बन रही है, देखो रेडी हो रही है सभी, ये प्रोडक्ट है सारे हमारे इधर रेडी हो रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट है हम प्रोडक्ट बनते भी देखो दिखा रहे हैं कि फैक्ट्री में, इधर प्रोडक्ट हमारे सारे फ्रेम वगैरह स्ट्रक्चर जो है रेडी हो रहा है इधर, तो हमारी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है।
ठीक है। ये देखो मैं अभी और भी आपको मशीनें दिखाता हूँ उधर, और भी मशीनें जो खुली ऑटोमेटिक नोटबुक वाली है उधर, और मैं दिखाता हूँ आपको दोस्तों ये मशीन के बारे में जो मैंने आपको कांटी तार वाली के बताया हुआ है। इसके जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं नीचे, उसमें कॉल भी कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप में जो भी आप उसकी जानकारी लेना चाहो व्हाट्सएप मैसेज करो, उसमें पूरी इसकी वीडियो फोटो प्राइस वगैरह हर चीज, अपना एड्रेस कंपनी का हर चीज आपको आएगी, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आप नानकना मशीनरी अच्छी तरह देखो, ISO सर्टिफाइड कंपनी है, आप गूगल में यूट्यूब में चेक कर सकते हैं पूरी हमारी जो कंपनी है। ध्यान से देख के जो पैसा जमा कराने वक्त आप ध्यान से देखिए, नानकना मशीनरी में ही पैसा जमा कराना है, क्योंकि आपका सेफ है वो, वहां आपको मशीन सप्लाई मिलेगी, हर चीज मिलेगी, हमारी सप्लाई ट्रांसपोर्ट से ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर मतलब एक्सपोर्ट भी होती है हमारी, पूरे कई कंट्री में, बहुत सारी कंट्री में एक्सपोर्ट भी होती है हमारी मशीनें, इसलिए आपका पैसा जो एडवांस आएगा या कुछ भी सेफ है पूरा, कहीं आपको सप्लाई मिलेगी हर चीज मिलेगी। बहुत सारे लोग डरते हैं कि जैसे नेट में ऐसे पेमेंट किया है, वो कई कंपनी ऐसे होती है फ्रॉड होती है, कोई मशीनें नहीं डालती, ऐसे आप जो ध्यान से देख के पैसा जमा कराओ, जो कंपनी अच्छी है उसी को पैसा जमा कराओ। चैनल जो है इसने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक करो इसको, शेयर करो इसको, और जिसने ये अभी बिजनेस नहीं शुरू किया जल्दी से जल्दी ये बिजनेस शुरू करो, ये बहुत बढ़ने वाला बिजनेस है, बहुत चलने वाला बिजनेस है, तेजी से बढ़ रहा है ये बिजनेस, इसीलिए जल्दी से जल्दी कांटी वाली तार जो मशीन लगा के आप इसको तेजी से तेजी आगे इसको काम शुरू करो जल्दी से जल्दी, और आप जल्दी से जल्दी इसका मुनाफा जो कमा सकते हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी वीडियो जो है पूरी अंत, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।